सितारगंज में एनआरसी और सीए बिल के विरोध में सभी शहरवासियों ने एक जगह एकत्रित होकर एनआरसी और सीए का विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि इसे काला कानून भी बताया और भारत सरकार से इसे वापस लेने की मांग भी की। साथ ही उप जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। शांति मार्च ही नहीं निकाला, ये लोग यहीं इकट्ठे हुए हैं और यहीं पे इन्होंने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम महोदय को दिया गया और इनकी भावनाओं को संबंधित को प्रेषित कर दिया। कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्वक रहा, ये अप्रिशिएट। ये जो आज मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है, कल सिखों के ऊपर भी हो सकता है। तो हम इस देश के अंदर रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा दिया गया था एक देश को, कि आज ये जो बिल पास किया गया है इस बिल को सरकार को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है देश को। आप असम की घटना आप सलीम रिजवी जी ने बताई कि असम के अंदर देखिए क्या हुआ। तो ये सरकार ये जो मनमानियाँ कर रही है, कभी भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान से छेड़खानी कर रहे हैं, ये कभी एनसीईआरटी में छेड़खानी कर रहे हैं, हर चीज़ में ये देखिए इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये इंटरफेयर बंद करिए, यहाँ जो इंसानियत से लोग रह रहे हैं उन्हें रहने दिया जाए और चैन अमन से जीने दिया जाए। सितारगंज के स्थानीय मुस्लिम समुदाय द्वारा सीएबी और एनआरसी के विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया और उसके बाद एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें मांग की गई है कि इस बिल को वापस लिया जाए और एनआरसी को न लाया जाए।